हाई वाई बाद में। लेट मी जस्ट टेक अ साफ रिलीफ। यार बचपन से सिखाया जाता है दैट अतिथि देवो भव, पर इस बार ये अतिथि ना भारी पड़ गए। नैनीताल से मेरे मम्मी के चाचा के फूफा जी के फर्स्ट कजिन उनके सुपुत्र के साथ घर पधारे। पेर मैन बात बात पे चालू हो जाते हैं। कहते बेटी जब तुम छोटी सी थी ना तो तुम्हें अपनी गोदी में मेरे बबुए के साथ खिलाता था। अरे गोदी में खिलाते थे तो अब मेरा सर खाओगे क्या? पजामा छाप लड़ी दिमाग की तो मदर सिस्टर हो गई। एंड हिज नेम टोटली मैचेस विद हिज पर्सनालिटी, मिस्टर राय बहादुर। दिस मैन हैज एन ओपिनियन फॉर एवरी डैम थिंग, मतलब कुछ भी बोलो उस साले को मुंह तो खोलना ही होता है। न्यूज चालू करो तो राय, मेकअप करो तो राय, खाना खाओ तो राय। एंड उसके बेटे का नाम मान बहादुर। क्या, व्हाट अ नेम। आई गॉट द बिगेस्ट शॉक ऑफ माय लाइफ जब मुझे ये मालूम पड़ा कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाने आया है। कहने लगा बेटी हमारा बबुआ बहुत संस्कारी है, पासी वाले गांव में स्टेशन मास्टर है, सरकारी नौकरी है, बहुत बड़ा अफसर है। हमारी मनोकामना है कि तुम अपनी शादी हमारे बबुए के साथ कर लो और जिंदगी की रेल पटरी पर ले आओ। डूड आर यू फॉर रियल? आई मीन सीरियसली, मान बहादुर स्टेशन मास्टर, उसके साथ मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। क्या, क्यों खुद कर ले अपने बबुए के साथ शादी मोरन? तब मैंने डिसाइड किया कि इसकी तो फाड़नी पड़ेगी। मैंने विनीता के साथ प्लान किया। नेक्स्ट डे आई कॉल विनीता ओवर, राय बहादुर और मान बहादुर के साथ मूवी प्लान करा, सम भोजपुरी मूवी। एज पर द प्लान जैसे ही मूवी शुरू हुई विनीता एंड मी प्रिटेंडेड दैट वी आर किसिंग। हिलेरियस, उन दोनों पजामा छाप बाप बेटों की ना वही फट गई। वो बोला घोर कलयुग आ गया बेटा, तेरी शादी तो मैं गांव में किसी सुशील कन्या के साथ कर दूंगा। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तर लिया और वहां से कल्टी वाला टली।